माथे पर टीका, गले में माला, कामाख्या देवी मंदिर पहुंची भूमि, बॉयफ्रेंड नहीं बहन संग की पूजा, माँ कामाख्या का लिया आशीर्वाद। जी हाँ, जहाँ एक ओर देश भर में राम नाम की गूंज है और हर कोई श्री राम के उनके धाम में आने के बाद राम की भक्ति में लीन हो गया है, तो वहीं बॉलीवुड स्टार्स भी इस समय पूरी तरह से भक्ति मोड में रमे हुए नजर आ रहे हैं। जहां बी टाउन के कई सितारे 22 जनवरी को अयोध्या में हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए और उन्हें रामलला के स्वरूप का दर्शन करने का मौका मिला, तो दूसरी ओर हाल ही में बी टाउन की खूबसूरत हसीना भूमि पेडनेकर को भी हाल ही में असम के खामाख्या मंदिर में देवी माँ का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अब बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर भी स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल पड़ी है और भले ही भूमि ने अयोध्या के राम मंदिर में जाकर पूजा अर्चना ना की हो, लेकिन उन्होंने गुवाहाटी के प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन जरूर कर लिए हैं, वो भी अपनी लाडली बहन के साथ। और अपनी भक्ति में अंदाज की झलक भी खुद भूमि ने ही सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दिखाई है। भूमि ने हाल ही में अपने इंस्टा हैंडल से कुछ लेटेस्ट तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसके जरिए उन्होंने अपनी यात्रा की झलक साझा की है। इस दौरान एक्ट्रेस ने येलो कलर का प्लाजो और सूट पहना हुआ था और गले में माला और माथे पर कुमकुम का टीका भी लगाया हुआ था। कानों में झुमके और खुले बालों के साथ भूमि पूरी तरह से माँ की भक्ति में लीन दिखाई दे रही है। वहीं अपनी इन तस्वीरों को कैप्शन देते हुए भूमि ने लिखा, जय माँ कामाख्या देवी। एक्ट्रेस ने बहन के साथ कई सारी फोटो शेयर की है जिनमें देवी माँ के दर्शन करती हुई वो नजर आ रही हैं। तो वहीं एक फोटो में भूमि अपनी बहन के साथ इस खुले आसमान के नीचे खड़ी होकर पोज देती दिख रही हैं। बता दें कि असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। नीलाचल पहाड़ी के ऊपर स्थित ये भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित शक्ति पीठों में से एक है। यही वजह रही है कि भूमि ने भी यहां जाकर देवी माँ का आशीर्वाद लिया। वर्क फ्रंट की बात करें तो भूमि पेडनेकर अब भक्षक फिल्म में नजर आएंगी। इसमें वो एक जर्नलिस्ट के रोल में दिखेंगी। ये एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जो सच्ची घटना पर आधारित है। तो वहीं भूमि पेडनेकर ने साल 2015 में दम लगाकर हाइशा से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई। इसके बाद उन्होंने पति पत्नी और वो और बाला जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन आजकल बॉक्स ऑफिस पर भूमि की फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।